हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका इस पर्टिकुलर कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। सो आई होप गाइस आप लोग एग्जाम्स के पैटर्न से वाकिफ होंगे और आपको पता होगा कि कैसे हमें जो यूपीएससी के ऑप्शनल है उसमें दो पेपर लेने होते हैं। सो जो फर्स्ट पेपर होता है गाइस, फर्स्ट पेपर जो होगा वो होगा गाइस, उसको बोलते हैं पेपर ए या पेपर वन। इसको गाइस पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं पीएसआई, पीएस यानी पॉलिटिकल साइंस। जो पेपर वन आप लोग लेंगे, पेपर वन आप लोग देंगे वो होगा पॉलिटिकल साइंस का। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पेपर होगा गाइस वो होगा गाइस पेपर टू, या इसको हम पेपर बी भी बोलते हैं, और ये होगा गाइस आप लोग का इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर, जिसको हम लोग आईआरबी बोलते हैं। और यहीं से गाइस जो वर्ड आता है वो आता है पीएसआईआर, पीएसआईआर, पीएस प्लस आईआर इज इक्वल्स टू पीएसआईआर। सो अब से गाइस हम इसको पीएसआईआर को, पॉलिटिकल साइंस को हम लोग पीएसआईआर से ही डिनोट करेंगे। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेसन होगा जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर जो कोर्स है उसका एक हम लोग ओवरव्यू लेंगे और हम देखेंगे कि हम इस कोर्स को कैसे प्रोसीड करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग गाइस हम लोग सिलेबस को अब हम डिस्कस करेंगे, फिर हम उसके बारे में बात देखेंगे कि कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे और कैसे इस कोर्स को आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, पेपर वन का सिलेबस को देखते हैं। एंड पेपर वन आपका है पॉलिटिकल साइंस का, पेपर वन। अच्छा गाइस मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पेपर वन है, पेपर वन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया यूपीएससी के सिलेबस में, जिसको पार्ट ए बोला गया है और एक है गाइस पार्ट बी। सो जो पार्ट ए है एंड ये है पार्ट बी। सो जो पार्ट ए है गाइस वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, एंड पार्ट बी है गाइस इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में। तो अब पार्ट ए में जो पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में है इसको हम लोग इन डेप्थ में देखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस कि अगर आप लोग के पास सिलेबस है तो उसे एक बार खोल लीजिए एंड पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाइए। सो गाइस ये रहा पार्ट ए, जो पार्ट ए है पेपर वन का वो किसके बारे में गाइस, जो आपके पास पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में है ये डिस्कस करेगा। बेसिकली गाइस ये पता है क्या है, जो पेपर वन का पार्ट ए है ना वो थ्योरेटिकल है, वो थ्योरी के बारे में डिस्कस करेगा। एंड पेपर वन का जो पार्ट बी है गाइस वो एक टाइप का आपके पास इस पूरी थ्योरी का एप्लीकेशन है, और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप सिलेबस देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको एक बेसिक वे में बताता हूँ कि कैसे दोनों पार्ट में डिफरेंस क्या क्या है। देखिए गाइस जो आपके पास पेपर वन है, जो पेपर वन है इसमें जो है वो मोस्टली गाइस थ्योरी है, थ्योरीज है। और पेपर वन के पार्ट बी में, पार्ट बी में वो है आपके पास इन थ्योरीज का एप्लीकेशन, पर किसमें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ये सारा कुछ इंडियन में है, एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो पार्ट ए में आप लोग लर्न करेंगे थ्योरीज, और ये जो थ्योरीज है ना गाइस ये 99% जो थ्योरीज है वो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड की है, यानी ये क्या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल, वो बाहर की वेस्टर्न वर्ल्ड के, यूरोप के जो आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उन्होंने दिया है, ठीक है। बस कुछ ही हैं जो इंडियन फिलोसफर्स, हार्डली 5-7 जो हमारे सिलेबस में है जिन्होंने हमारा इंडिया के बारे में कुछ बोला है, या फिर उन्होंने स्टेट के बारे में कुछ बोला है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बोला है। बाकी 99% जितने भी फिलोसफर्स हैं जो आपकी ये थ्योरीज देते हैं ये सारे हैं आपके वेस्टर्न फिलोसफर्स, जैसे आपका प्लेटो आएगा, ठीक है, जैसे आपका एरिस्टोटल आएगा। इन सबको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या है, यही सारी जो थ्योरीज है, ठीक है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे वैलिड है हम इसको समझेंगे, ठीक है, कि इंडिया में स्टेट क्या है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है इंडिया में, ठीक है, जो आपका इंडिया में जो पंचायती राज है वो कैसे काम करता है, ठीक है, इंडिया एक फेडरेशन कैसे है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका पेपर वन के पार्ट बी में। सारा कुछ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन। इसीलिए जो पेपर वन का पार्ट बी है
ये आपका पूरा का पूरा GS2 पे ओवरलैप करता है। GS2 में आप लोग सब लोग पढ़ते होंगे पॉलिटी, तो बेसिकली इसको अगर बोला जाए तो ये पॉलिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, बट पॉलिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन क्या, पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ठीक है, एक होता है देसी स्टूडेंट देसी तरीके से पॉलिटी पढ़ना, ठीक है, बट एक होता है पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से, तो हम उस टाइप से पढ़ेंगे। इसमें हम स्कॉलर्स के व्यू समझेंगे कि किन स्कॉलर्स ने क्या क्या बोला है हमारी कंट्री के, हमारे सिस्टम के बारे में, और इस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हमारा पेपर वन को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया। आप लोग क्या करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार सिलेबस का ओवरव्यू देख लीजिए। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊंगा आगे हम लोग जब प्रोग्रेस करते जाएंगे कि हमने ये वाला सिलेबस का ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, बट स्टिल मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस पेपर 2 के बारे में। सो पेपर 2 के बारे में अब हम बात करते हैं। सो जो हमारा पेपर 2 है गाइस, पेपर 2 वो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा, IR के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा 250 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अब देखिए IR के पेपर में भी दो पार्ट होंगे, जो पेपर 2 होगा इसमें भी आपके दो पार्ट होंगे, ये रहा। ठीक है, अगेन इसके जो पहला पार्ट होगा गाइस, ये वाला पार्ट जो मैं एक मिनट दो एरोज बनाएगा आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो पहला जो पार्ट होगा आपका जो पेपर 2 है, इसका जो पार्ट A होगा, यानी इसको अब से हम 2A भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो 2A होगा वो अगेन थ्योरीज होंगी। किनके द्वारा दी गई थ्योरीज, भाई वेस्ट वाले देंगे सारे, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड की, और किसके रिगार्डिंग, IR के अकॉर्डिंग, कि इंटरनेशनल रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, और पार्ट 2B में क्या होगा गाइस, आप खुद बताइए पार्ट 2B में क्या होगा, जिसको हम 2B भी बोलते हैं, इन थ्योरीज का एप्लीकेशन। ठीक है, IR का, और अगेन किसके कंटेक्स में होगा, इंडिया के कंटेक्स में। हम देखेंगे कि इंडिया की क्या रिलेशंस है और नेबरिंग कंट्री से, इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी रही है, इंडिया के क्या चाइना से रिलेशंस है, इंडिया के क्या नेपाल से रिलेशंस है, पूरे वर्ल्ड हम एक टाइप का कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो इसमें गाइज आप लोग वर्ल्ड टूर पे चलेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है, और इस वाले में हम लोग स्टैटिक पोर्शन होगा, तो आपका इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ये वाला जो पार्ट है पार्ट 2B, ये आपका डायनेमिक है। अभी आगे और डिस्कस करते हैं, 1 मिनट। सो गाइस हमने क्या देखा कि पेपर, अभी तक हमने क्या देखा, पेपर 1 को अगर हम बोले तो पेपर 1 में क्या है, 1A, ये क्या है, प्योर थ्योरीज, थ्योरीज अबाउट क्या, पॉल साइंस, पॉल साइंस, पॉल साइंस, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और पेपर 1 पार्ट 2 में क्या है, जिसको हम 1B भी बोलेंगे, ठीक है, IGP, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में लिखा है, इंडिया की क्या सिस्टम है, सब कुछ देखेंगे, क्योंकि आखिर आप लोग दे तो इंडियन सिविल सर्विस रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली पेपर 2 क्या है, पेपर 2A, ठीक है, ये होगी आपके पास थ्योरीज, ठीक है, अबाउट IR गिवन बाय वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, वेस्ट स्कॉलर्स। ठीक है, और पेपर 2B क्या होगा गाइस, बहुत आसान है, इनका एप्लीकेशन, यानी ठीक है, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया, इंडियाज IR, इंडिया के रेलिवेंट्स में कौन कौन सी थ्योरीज हम अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको देखेंगे। ठीक है, यहां पे भी जो थ्योरीज अबाउट पॉलिटिकल साइंस है किसने दी है, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने, मोस्टली वेस्टर्न स्कॉलर्स है, 99% आपको हम देखेंगे अभी सिलेबस में वही देखेंगे। ठीक है गाइस, और कुछ ही बस अपने इंडियन है। सो ये हमने देखा पॉलिटिकल साइंस का एक ओवरव्यू, एक सिलेबस देखा। ठीक है, तो 1A 1B 2A 2B, अब से ऐसे देखेंगे, और ये मैंने भाई अपने मर्जी से क्लासिफाई नहीं करेगा इस सिलेबस। ठीक है, जो ये है ये पूरा का पूरा ये UPSC की ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट आता है उसमें ऐसे ही क्लासिफाइड है, पेपर 1 पार्ट A, पेपर 1 पार्ट B, पेपर 2 पार्ट A, पेपर 2 पार्ट B। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया हम कैसे पढ़ेंगे। सो चारों पार्ट पे गाइस इक्वली फोकस हम करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट वेटेज बराबर ही रहता है। कुछ लोग अगर आप जाएंगे तो कोचिंग में गलत बताते हैं कि पेपर 1 पार्ट A बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि आता रफली इससे 125 मार्क्स का ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे 250 आ जाएगा, इससे 0 आ जाएगा। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये पढ़ा नहीं तो फिर आप सब कुछ कर लेंगे। पेपर 1 पार्ट B पढ़ा ही नहीं तो आप 125 में 125 मार देंगे, 125 में 125 किसी के भी नहीं आते। ठीक है गाइस, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो गाइस अब जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है गाइस कि वेयर शुड वी स्टडी दिस फ्रॉम,
ठीक है, तो एक टाइप का सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गाइस, अभी अगर मैं सोर्सेस अभी आपको बता दूंगा तो आप लोग सारी बुक्स खरीद लेंगे, ठीक है, जो कि आपको एक टाइप का डीमोटिवेट कर देंगे। जब बुक्स से खूब सारी फाइल्स इकट्ठा हो जाती हैं तब पता चलता है कि यार ये सब पढ़नी भी थी। पर मैं आपको बताऊं, इन सारी बुक्स में से बिल्कुल सेलेक्टिवली आपको पढ़ना है गाइस, ठीक है, सेलेक्टिवली पिक कर करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड हमने टॉपिक पढ़ा, तो अब एक पर्टिकुलर बुक है वो 800 पन्ने की है, ठीक है, अब 800 पन्ने में एक्स वाई जेड टॉपिक केवल 10 पन्ने में है, तो वो जाओ चुपचाप उससे कंटेंट देखो और आपने वो 10 पन्ने पढ़ के चुपचाप आपने कुछ टाइप के नोट्स बना लिए, कुछ टाइप के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए और किताब को फेंक दिया, मतलब फेंक दिया इन द सेंस रख दिया। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, फर्स्ट पेज से ही बिल्कुल इंट्रोडक्शन से, ठीक है, इंट्रोडक्शन से पहले अबाउट द ऑथर से बिल्कुल पढ़ने लग जाते हैं और कवर टू कवर पढ़ते रहते हैं। अब 20-25 पेज तक तो जोश रहता है, उसके बाद वो आपका ग्राफ एक टाइप का क्या हो जाता है, फिर वो फुस हो जाता है और 25 पेज के बाद आपसे पढ़ा नहीं जाता और आप बंद कर देते किताब मैक्सिमम 50 पेज के बाद। और जबकि इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी थी जो आपको, लेट से वो 100 से 100 से 110 पेज पढ़ने थे, ठीक है, तो केवल 100 से 100 110 पेज पढ़ो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे हम कोर्स को आगे प्रोसीड करते जाएंगे गाइज, तब मैं आपको बुक्स के नेम बताते जाऊंगा और उनसे भी रेलिवेंट चैप्टर्स, ठीक है, कि ये वाला आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आखिर बुक पढ़नी चाहिए या नहीं। तो अगर आप कोचिंग्स में जाएंगे तो आपको जो फेमस कोचिंग्स है वो क्या बोलेंगी, ओनली मेरे नोट्स पढ़ लो और इससे काम हो जाएंगे, ओनली नोट्स। बट देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने पॉलिटिकल साइंस के आंसर लिखे कि कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं आप समझ में तो आएगा आपको, ठीक है, पर जब आप आंसर लिखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस की पर्सपेक्टिव से जब आप आंसर लिखते हैं तब वहां पे बुक रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, बुक इसलिए रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि कोचिंग वाले आपको कॉन्सेप्ट तो समझा देंगे, ठीक है, आपको समझा देंगे, बट जो बुक है यह आपको वही कॉन्सेप्ट को लिखना सिखाएगी, ठीक है। और आप खुद बताइए, आप बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आता है, ठीक है, लाइक 100% आता है, बट दे स्टिल डोंट गेट सेलेक्टेड, वाई, क्योंकि उनको लिखना केवल 10% आता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिनको कम समझ में आता है, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा कुछ थोड़ा कितने सारी चीजें तो वो रट लेते हैं, ठीक है, लेट से उनको सिर्फ 90% ही समझ में आया, लेट से उनको इनफैक्ट सिर्फ 75% समझ में आया, बट उनको लिखना बहुत अच्छे से आता है उस चीज को शॉर्ट फॉर्म में, तो वो क्या कर देंगे, तो वो एक्सेल कर जाते हैं, ठीक है। एक बात आप हमेशा याद रखिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर उठाएंगे, इस बार का भी अगर आप पेपर उठाएंगे, तो गाइस बहुत कम आपको टाइम मिलता है एंड सेकेंडली बहुत कम स्पेस भी मिलती है, हार्डली आपको किसी भी आंसर में 200 से 250 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है, दैट्स नॉट इवन 4 पैरा, ठीक है, सिर्फ 4 पैरा लिखने होंगे, 4 से 5 पैरा में आपको आंसर खत्म करना होगा, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक पे अगर आप पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इट्स लाइक वो 15-20 पन्ने का है, उसमें से आपको केवल 4 सेलेक्टिव पैरा पढ़ने हैं, ठीक है, 4 सेलेक्टिव पैरा लिखने हैं गाइस। और यही खेल होता है, जो बंदा सही पैरा लिख देता है, लेट से उसने पढ़े 25 पैरा लिखे, 25 पैरा उसने रीड कर लिया, ठीक है, पर वो बंदा 4 पैरा बिल्कुल सटीक लिख के आया, ठीक है, उसने लिखा सही, ठीक है, 25 पैरा पढ़े और 4 सही लिख दिए। सिमिलरली स्टूडेंट बी है, वो भी 25 पैरा पढ़ता है, ठीक है, बट वो जो 4 पैरा लिखता है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट वाले पैरा लिख देता है, तो क्या होगा गाइस, आप खुद बताइए, यही जीतेगा ना, यहीं पे एज आता है गाइस। इसीलिए जो आप देखते हो सिविल सर्विस में इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्यों है, वो यही मैटर करता है कि नॉलेज तो ठीक है गाइस, एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि यार आपकी नॉलेज अब एक कॉन्स्टेंट हो चुकी है, ठीक है, के फैक्टर पे पहुंच चुकी है, पर अब सेलेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, इट्स ऑल अबाउट कि उस जिसने वहां पे क्या लिख दिया, ये 2% में वहां लिखा गया उस पर्टिकुलर आंसर शीट में, ठीक है, और क्या वो चीज रेलिवेंट थी या नहीं, ठीक है। लोग सोचते यार पेपर पूरा करने से भी हो जाता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी इस बार आईपीएस बना, ठीक है, उसने हर पेपर में दो 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 से दो दो क्वेश्चन उसके छूटे ही थे, ठीक है, पर मैं एक बात बताता हूँ, मैंने उससे खुद बात करी, मैंने कहा भाई तेरा तो इतने पेपर इतने क्वेश्चन छूट गए, तेरा रफली अराउंड 6 से 7 क्वेश्चन तू छोड़ के आ रहा है भाई, कैसे यार बन जाएगा। उसने बोला भाई जो मैंने बाकी करे ना वो मैंने सही करे, और जो क्वेश्चन छोड़े भी वो उसके बिल्कुल नहीं आते थे, उसमें उसे हवा भी नहीं थी वो क्या लिखता, तो उसने कहा झूठ बोलने से अच्छा मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो उसने छोड़ दिया ना, हो गया, ठीक है। सो आप समझ रहे ना, रेलिवेंस बहुत जरूरी है, इसीलिए अगर आप यूपीएससी का मेंस देंगे तो उसके जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही होता है कि जो आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है रेदर देन लेंथ ऑफ द आंसर, ठीक है गाइस,
लेंथ मैटर नहीं करती, कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप सिविल सर्विस के टॉपर्स को भी सुनेंगे, मैं ईरा सिंगल मैम का इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें उनसे पूछा गया था कि मैम आपने कैसे लिखा, तो उन्होंने साफ बोला यार मुझे जितना आता था मैं उतना लिखती थी, कुछ में अगर मैं मुझे 10 लाइन आती थी मैं 10 लाइन लिखती थी, कुछ में मुझे 15 लाइन आती थी मैं 15 लाइन लिखती थी, आई डेंट केयर अबाउट द वर्ड लिमिट, आई डेंट केयर अबाउट द स्पेस। तो अल्टीमेटली यही प्रिंसिपल आपको अपनाना है कि रेलिवेंट चीज़ ही पढ़नी है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा गाइज रेलिवेंट आपको लिखना है, समझ रहे हैं, रेलिवेंट पढ़ो रेलिवेंट लिखो, ठीक है, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट गाइस बात करते हैं कि मैंने ये कोर्स क्यों स्टार्ट किया, व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस कोर्स, ठीक है। सो गाइस देखिए इसके दो तीन बड़े रीजन है, मैंने पूरे यूट्यूब पे जब मैंने खुद तैयारी करी, देखिए मैंने ये कोर्स को खुद पढ़ा है, मैंने कोई भी आपकी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, ठीक है, मैंने ये कोर्स खुद पढ़ा, बुक से पढ़ा है, इधर उधर से नोट्स मांग के पढ़े हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता सकता हूँ, उसके बाद मैंने कोचिंग के बारे में पता भी करा था, तो पहली बात तो कोचिंग साथ टू मच एक्सपेंसिव गाइस, ठीक है, और उसके बाद भी जो वहाँ पे फीडबैक होता है कि उसके बाद भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये कोर्स, मैंने सोचा, मैंने यूट्यूब पे सर्च करा और यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है, यानी कोर्सेज ऑफ ऑप्शनल्स आर नॉट देयर। अगर आप देखोगे यूट्यूब पे तो आपको जीएस के तो बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है, पर और जो पर्टिकुलर कोर्स है ऑप्शनल के वो मोस्टली पेड है गाइस, ठीक है, और उनकी जो फीस है आप लोग खुद भी सर्च भी कर लीजिएगा, आजकल हर दिल्ली के कोचिंग की फीस है 40-50K फॉर पर ऑप्शनल। तो अब यार इतना स्पेंड करना और उसके बाद भी बहुत मेहनत करना, आई थिंक ये सही नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो मेरे कोर्स से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा गाइस, तो देखिए सबसे पहले जो बेनिफिट मिलेगा आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। मैं पहली बोल चाहूँ, मैं 100% क्लेम नहीं करता कि एग्जैक्टली जो आप मैं पढ़ाऊंगा वो आ जाएगा, ये इनफैक्ट जो भी क्लेम करता है वो झूठ है, क्योंकि हर साल आप देखो पेपर में कुछ ना कुछ बाउंसर आता है और वहीं आपका एज आता है। बट हाँ मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे ऑलमोस्ट बन जाएंगे, एटलीस्ट 90-95% क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे जो मेरा पढ़ाया हुआ होगा मेरे नोट से, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट होगा। दूसरा गाइस जो आपका क्या बेनिफिट होगा, आपका टाइम बहुत बच जाएगा, ठीक है, टाइम आपका बचेगा, क्योंकि अगेन आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है, आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे तो आपको कम्यूट करना पड़ता है, ठीक है, फिर वहां पे जाके अगेन बहुत स्लो चलता है उनका कोर्स, वो लोग बहुत ही ड्रैग करते हैं कोर्स को एंड तब तक आपका प्रीलिम आ जाता है, ठीक है। तो मेरे इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सही टाइम पे हम बिल्कुल कोर्स को खत्म करेंगे और इनफैक्ट जल्दी कोशिश करने की खत्म करेंगे। थर्ड जो गाइस सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट होगा गाइस वो है गाइस आंसर राइटिंग का, ठीक है। सो मैंने देखा है और कोचिंग में पता भी किया है कि जो मोस्टली कोचिंग्स होती हैं उसमें क्या होता है आंसर राइटिंग नहीं करवाते। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही फेमस कोचिंग है, उसमें तो वो प्रोग्राम डिजाइंड ही ऐसा है कि जो उनकी मेन क्लास है उसमें 75-80% कोर्स कराया जाएगा, ठीक है, आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं होगी। और उसके बाद जो 20% कोर्स है प्लस आंसर राइटिंग, ठीक है, प्लस आंसर राइटिंग जो ये चीज होगी, इसके लिए एक वो नया कोर्स बनाती है, उसको ज्वाइन करो एक नए कोर्स में। और गाइज आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर जो फीस है वो है अराउंड 45-50K, ठीक है, एंड प्लस इस वाले कोर्स की जो फीस है गाइज वो फिर से अराउंड अबाउट 20-25K है। सो गाइज आप समझ रहे हैं इतना ज्यादा एक्सपेंस खर्च करना मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल सही है। अगर आपके पास है तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, शायद आपको कुछ फायदा हो जाए और फिर उसके बाद मुझे भी बताइएगा कि क्या फायदा हुआ इस कोर्स से या मुझे उस क्लास करके फायदा हुआ। सो गाइज हम लोग जो इस कोर्स में गाइज आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस करेंगे, आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग में क्या होगा गाइज, आंसर राइटिंग में हम लोग जो मेजर फोकस होगा वो PYQs पे होगा, जो फेमस कोचिंग्स हैं, ठीक है, फेमस कोचिंग्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, उनकी टेस्ट सीरीज से हम लोग क्वेश्चन उठाएंगे एंड देखेंगे कि क्या हमसे वो हो रहे हैं नहीं गाइज। सो ये दो चीज पे हम लोग मेजर फोकस होगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ गाइज, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अभी तक मैंने बुक्स के लिए आपको मना करा है, बट एक बुक जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आज ही खरीद लो, वो 100 रुपए की आती है, वो बुक है 100 रुपए की आती है, वो कौन सी है गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये शायद किसी भी पब्लिकेशन के ले लो, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो हो ही आपके पास और वो भी टॉपिक वाइज होते हैं, ठीक है, मेरे पास भी है ये बुक,
ठीक है, हम ये हमारी एक टाइप की बाइबल होगी, ये हमारी कुरान होगी, ये हमारी जितनी भी भगवद गीता है, सारी जो होली बुक है ये होगी गाइस। ठीक है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इसी के ही बेसिस पे पढ़ेंगे और इसी के बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप ले लो। सिंपल, आप जाओ किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन, आप लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस और एक आपको बुक आ जाएगी 100-200 रुपए की, उसको आप मंगा लो। या फिर आप कहीं अगर ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो वो भी खरीद सकते हैं गाइस। सो आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दूसरा गाइस, हम लोग देखिए जो स्टडीज करेंगे ठीक है, वो गाइस थोड़ा इंटीग्रेटेड मैनर में होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनर में क्या होगी, मतलब देखिए कि मैं कुछ आपको पढ़ाऊंगा ठीक है। लेट से मैंने आपको ABC टॉपिक पढ़ा दिया ठीक है, मैंने आपको क्लास में इस पर्टिकुलर वीडियो में बता दिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि XYZ टॉपिक ठीक है, आप ये थोड़ा सा खुद रीड करके आए, रीड करें ठीक है, रीड करें, थोड़ा सर्च करें ठीक है, और मैं इसको कहता हूँ थोड़ा गूगलाएं। ठीक है, गूगलाना बहुत जरूरी है, गूगलाना मीन्स गूगल करना, गूगल इट ठीक है। अगर आपकी ये अच्छी हैबिट लग गई ना किसी भी चीज को गूगल करने की, तो ट्रस्ट मी आपको काफी एज मिलेगा, कितनी चीजें तो पता ही गूगल से चलती हैं। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, अब एक चीज हम और बात करते हैं कि डायनामिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गाइज, इस पर्टिकुलर जो सिलेबस है PSIR का ठीक है, ये बहुत डायनेमिक है। इनफैक्ट इसमें 50-70% ही स्टैटिक है ठीक है, स्टैटिक भी 50% में बोलूंगा, और जो 50% है गाइस वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब एक बंदा जो 2016 में पेपर दे रहा है, वो अगर 2019 का पेपर बिना करंट अफेयर उठाए पढ़ने आ गया तो ट्रस्ट मी उसके पेपर 2 में तो नंबर आएंगे ही नहीं, क्योंकि पेपर 2 में पूरा का पूरा आप सिलेबस देखिएगा वो सारे रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस गाइस हर मिनट चेंज हो रहे हैं ठीक है। आपको पता है जो वेस्ट में कैसे लीडर्स है, ट्रंप ठीक है, कल वो ईरान के साथ कुछ भी करते हैं, वो आज कुछ करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता ठीक है। उनकी बहुत ज्यादा जो पॉलिसीज है, बहुत फ्लक्चुएटिंग पॉलिसीज है ठीक है, और जब सुपर पावर ही वर्ल्ड का इतना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है ठीक है, सो हम कैसे वो कर सकते हैं, हम कैसे इस चीज पे स्टैटिज्म ला सकते हैं सर। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइज हाथ जोड़ के कि डेली डेली नॉन स्टॉप आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है ठीक है, और कौन सी न्यूज, IR की न्यूज, IR न्यूज आपको पढ़ना ही है। पूरा पेपर चाहे मत भी पढ़ो चलेगा, पर IR की न्यूज तो आपको पढ़नी है। एंड भाई मैं आपको एक बात और अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, मैंने आज तक न्यूज़पेपर जितना भी 2-2.5 साल से पढ़ा है ठीक है, मैं आपको बता दूं एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन IR की कोई न्यूज ना हो, ऐसा तो होता ही नहीं है भाई। हर दूसरे दिन एक एडिटोरियल होता है, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया आपके पास ईरान, इंडिया USA, इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया दिस इंडिया दैट, हर एक दूसरे दिन कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। कभी वेस्ट एशिया में कुछ बम फट जाता है ठीक है, अगर आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आजकल वेस्ट एशिया में बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है। आपने देखा है क्या कि कैसे ईरान ने क्या करा, उन्होंने ड्रोन से अटैक कर दिया, किसकी, सऊदी की, क्या सऊदी की ऑयल एंड गैस फील्ड्स पे, ऑयल एंड गैस फील्ड्स पर अटैक कर दिया ठीक है। अब इससे पूरा वेस्ट एशिया में क्या एक टाइप का ऑयल क्राइसिस आ सकता है ठीक है। अब ऑयल क्राइसिस से सबसे ज्यादा किसे इंपैक्ट पड़ेगा भाई, इंडिया को ठीक है। आपने आपने ये देखा इंडिया का एंगल क्या है, तो हमेशा इंडिया एंगल सोचा करो, कोई भी चीज वर्ल्ड में हो रही है आग बंद करके ये देखो कि क्या इंडिया का एंगल क्या है। और अब गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया के एंगल से ज्यादा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब गाइस वर्ल्ड एंगल के बारे में ही बात करो कि वर्ल्ड में क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर मूव का ठीक है। तो आपको ये दो एंगल हमेशा पता होना चाहिए, एक कि इंडिया का एंगल क्या है और एक ग्लोबल एंगल क्या है गाइस, ग्लोबल एंगल ठीक है गाइस। सो दो एंगल, इंडिया का एंगल और दूसरा ग्लोबल एंगल, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। लेट मी चेंज द साइज, यस इंडिया एंड आपका ग्लोबल ठीक है गाइस। ये आई एम सॉरी गाइज अगर आपको थोड़ा मेरी राइटिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि मैंने ये अभी अभी नया पेन टैब मंगाया है एंड थोड़ा सा ना मुझे दिक्कत हो रही है इसको सेटिंग्स में करने में, एंड सेकेंडली हाथ सेट होने में टाइम लगेगा। सो विट एज टाइम प्रोग्रेसिस आपको राइटिंग भी अच्छी मिलेगी। अच्छा एक बात और हम बात करते हैं कि नोट्स के कैसे मैं आपको दूंगा गाइज। सो देखिए मेरे पास हैंड रिटन नोट्स है ठीक है, मैं उसी में से ही आपको पढ़ के पढ़ाऊंगा ठीक है। सो मैं आपको
अब आप मुझे बताइएगा कि आपको हैंड रिटन नोट्स में कैसे दे सकता हूँ। एक साथ नोट्स नहीं दूंगा गाइस, जो भी मैं डेली पढ़ाऊंगा, लेट से मैंने ABC टॉपिक पढ़ाया तो उसी के ही मैं आपको जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए अगर आप देख लीजिए तो टेलीग्राम का चैनल भी मैं बना दूंगा, अगर आपको टेलीग्राम पे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं, ठीक है, या गूगल ड्राइव होगा तो आप उस पर भी ले लीजिएगा, जो भी होगा वो हम डिस्कस कर लेंगे कैसे, मोस्ट प्रॉब्ली टेलीग्राम पे ही दे दूंगा मैं आपको। सो ये हमारा नोट्स लेने का तरीका भी हो गया गाइस। सो दैट्स इट गाइस, हमने इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आई थिंक सब कुछ डिस्कस कर लिया है, कैसे हमारी अप्रोच रहने वाली है, एंड आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो क्लास होगी गाइस, जो हमारी क्लास 2 होगी, ठीक है, वो हमारी फुल ऑन जो होगी वो PSIR की क्लास होगी, उसमें हम मेन थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। हाँ, हम स्टार्ट क्या करेंगे गाइस, सो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से स्टार्ट करेंगे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, ये आप पेपर 1 का, ठीक है, पार्ट ए है, इससे हम स्टार्ट करेंगे, आप सिलेबस में देख सकते हैं, एंड उसमें भी हम लोग प्लेटो को पढ़ेंगे गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज मी साइनिंग ऑफ, बाय बाय।